विपक्ष के लोगों को अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन है उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, तो वो छाती पीट रहे हमें क्यों नहीं बुलाया। हमने कहा भगवान कुछ लोगों को बार बार नहीं बुलाते हैं, एक बार बुलाते हैं और अंतिम बार ही बुलाते हैं। क्या बात है, जब मौका आएगा तो भगवान उनको बुला लेंगे। तो मैं भाई साहब उसी अभी नैना जी आएंगी, अभी श्रृंगार पर पड़ के गया चंदन, प्यार मोहब्बत की बातें लड़के उछल रहे थे, नैना जी आएंगी वो भी अभी प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, हमारे नौजवान स्टूडेंट हैं इनको भटकाने की कोशिश करेंगी। कभी जीवन में पैसा प्यार मत करना, मैंने नहीं किया है, ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं थी। योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थी। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर किसी की कुटाई की गई तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर कहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उलटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं की, कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अग्रवाल जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी। तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई से प्यार मोहब्बत से। बहुत अच्छा। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को गौर से देख लो, इस बार स्टूडेंट खड़े होकर ताली बजाएंगे मुझे मालूम है, लड़कियों को गौर से देख लो तो कहेंगे कि देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगे कुत्ता देख भी नहीं रहा है। देखो इसमें तो हमारे प्रधानाचार्य जी भी ताली बजा रहे हैं, प्रधानाचार्य जी भले हो, भावनाएं तो हमसे मिलती हैं आपकी। तो भाई साहब प्यार मोहब्बत हम लोग बहुत दूर रहते हैं। हमारा छोटा भाई असीम है, कह लगा भैया आपका लाफ्टर शो बहुत देखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहा गुरु जी, नाम में कुछ नहीं रखा है, मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखा, लड़कियों को देखिए अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग, इन बेचारे लड़कों को देखिए लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार, ताली बजाइए जोरदार। प्यार मोहब्बत होता है, वाह क्या सुन रहे हैं आप। एक बार हमारी वाली ने गुरु जी हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हों और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पिट इसको कराएंगे। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत भाई साहब दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी एक साल पहले मैं दुबई के एक मुशायरे में गया, सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां, उसका मेरा कई रील कई वीडियो मेरे वायरल हुए आप तक पहुँचा होगा। तो जब हम दुबई पहुँचे तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई के कवि सम्मेलन में, उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगी तुम दुबई में हो, तो हमने कहा सही सुना हम दुबई में ही हैं। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना, हमने कहा किस खुशी में, कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और तुम चैन लेके आओगे तो मैं जीवन भर तुमको याद करती रहूँगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे, हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहाँ से खाली हाथ चला आया है। तो साहब हमारे साथ कोई नहीं टिकता, हमारी हालत तो ये है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, चौथी पंक्ति में फिर तालियों का हंगामा करना, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह 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 वाह। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई साहब प्यार मोहब्बत से। और गुरु जी मैंने तो ये सबक लिया है, आप सब लोग सबक ले लीजिए, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ भाई साहब। एक बार जोरदार तालियां अहमद भैया के लिए, जिंदाबाद। तो इसी चक्कर में मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये लड़कियां बड़ी बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी प्यार में लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फोन किया, अग्रवाल जी, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें। हाथ उठा के ताली बजाई जोरदार एक बार। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ भाई साहब। वाह वाह। हमारे बड़े भाई हैं संतोष सागर जी हैं, कवि सम्मेलन का जब मैंने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन का जब मैंने प्रारंभ किया था आज के 10-12 साल पहले, संतोष जी का मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत प्यार करते हैं,
इनकी शिकायत रहती है, इनका अधिकार है, हम छोटों से कहते हैं यार जब मंचों पे आते हो लड़कियों से दूर रहते हो, दूर रहते हैं, प्यार नहीं करते, ऐसा क्यों कहते हो? तो मैं सर मैं आपको बता दूं, हम प्यार इसलिए नहीं करते, मेरा एक बचपन का मित्र है कानपुर का है, उसने हमको एक लव स्टोरी सुनाई थी रोते रोते, हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, टिकटॉक पे लाखों करोड़ों वायरल हुई है, तो उसने रोते रोते लव स्टोरी सुनाई, हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी, तब से हमने कसम खाली ने प्यार करेंगे ना किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं, मेरा चैलेंज है ये लव स्टोरी सुनने के बाद हिम्मत हो तो कभी प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी, हम कक्षा 2 में आए वो केजी में आई, हम 5 में आए वो 4 में आई, हम हाई स्कूल में आए वो 9th में आई, हम इंटर में आए वो फर्स्ट ईयर में आई, फिर हम SSC की तैयारी करने लगे, इंटर के बाद लड़के या तो IIT SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे, हम सर SSC की तैयारी कर रहे थे वो फर्स्ट ईयर में आ गई, हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो इंटर में आ गई, हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो BA में आ गई, हम SSC की तैयारी कर रहे थे वो MA में आ गई, हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने BEd कर लिया, हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने MEd कर लिया, हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने MPhil कर ली, हम SSC की तैयारी कर रहे थे उसने PhD कर ली, हम SSC की तैयारी कर रहे थे प्रोफेसर बन गई, शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। तो मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ, बहुत सही बात आ रहा हूँ। अच्छा ये लड़कियों का कभी बड़ी घमंड के हम अपनी माँ की नहीं कहते, माँ की परी माँ की परी, अभी हम लड़के हैं, हम लोग क्या गूगल से डाउनलोड किए गए हैं? गौरव भाई हमारी 4 लाइन सुन लो गौरव जी, ये लड़कियाँ कहती हैं लड़की हम माँ की परी हैं, ये हम लड़के भी तो माँ की कुछ तो हैं, बाप के अपने लड़कियाँ हैं अगर मोम, इन लड़कों के लिए है, इस बार मजा आ जानी चाहिए तालियों में, लड़कियाँ हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं लड़के, लड़कियाँ हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं, लड़कियाँ हैं प्रेम गीत तो राष्ट्रगान की तरह हम हैं, लड़कियाँ हैं माँ की अपने परी तो बाप के लिए गिरगिटान की तरह हम हैं। तो हम लोग तो इसी तरीके से होते हैं, हम लोग भाई साहब हाथ से कभी हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता, मुफतलाल जी को मालूम हम लोगों की शादी नहीं होती, हम लोगों को सीरियस को लेता ही नहीं है, शादी कई बार आती है रिश्ते लौट जाते हैं, मुफतलाल जी हमारे बड़े भाई मुफतलाल जी, हमने इनको हाथ दिखाया, जितने बड़े समाज सेवी हैं वो हाथ ज्योतिषाचार हैं विद्वान हैं, हमारी कई बार शादी हुई तो हमने हाथ दिखाया, हमने भाई साहब हमारी शादी कब होगी, कहने लगा बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है, हमने कहा उसके बाद, बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियाँ आई और लौट गई, एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने कहा कि लड़का क्या करता, तो हमारी माँ ने कहा कवि है, बोले इनके पिताजी क्या करते हैं, बोले वो भी कवि, बोले उनके पिताजी, बोले वो भी कवि, बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है। रिश्ता लौट गया, 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया, फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है, हमारी माँ ने कहा कवि, उन्होंने शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए, तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों, वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि हमारी लड़की पागल है। तो हमारा वो रिश्ता भी लौट गया, फिर एक दिन हमारी शादी लखनऊ फाइनल हो गई, पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देखने चलना है, हम बिल्कुल खुशी के मारे नहा धो के सूट वूट बन के तैयार, होने वाली बीबी देखने जा, पत्नी देखने जाना था, पिताजी का 11:15 बजे फोन आया, कहें बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम पहली बार जा रहे हो, लड़की देखो पसंद कर लो, एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये हमारे घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, बेटा कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना, हम उत्तर प्रदेश कानपुर के सर, हम कट्टा लेके चले गए। क्या कह रहे, जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है, सही बता रहा हूं बाबा। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए, फिर एक दिन हमारी शादी हो गई, 4 साल पहले विश्व कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो, सर नहीं माने कर दी, भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच हमारी शादी, हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे, दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे, हम दूल्हे के बिंदु सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे, जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे एक लड़का घूम कर मेरी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए, हमने कभी कहा छक्का, कहने लगा विराट कोहली ने मारा है, तो हमने कभी कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो, देख के हमको, हमने कब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना, पता चला 2 मिनट बाद इंडिया मैच जीत गई, किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया, वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे, हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ बेटा, हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं,
बोले किसके साथ? इधर से तालियां आ रही हैं, ताली तो आप लोग ऐसे बजा रहे, इसमें बारात आए थे, हमने कहा घोड़ी के साथ, बोले शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते, हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी, कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बह गई तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया, एक हफ्ते लगातार हम भागते रहे, एक हफ्ते बाद हमको होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया, वहाँ चार पाँच आदमी खड़े थे, हमने कहा कानपुर का पता बता दो ना, बीबी को विदा कराना है, तो उनका देखो ऐसा है हमारे यहाँ रामलीला का पाठ चल रहा है, ये राम है ये लक्ष्मण है, सूप नका का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नका का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला ना कटवानी पड़ेगी, हमने कहा वो तो कट चुकी है, हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नका का रोल किया, सुबह चार बजे हमारी आँख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब, सूप नखा के ड्रेस में पैदल पैदल हम अपने घर पे, हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे, हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने हमारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो, हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए, हमने आपके पुत्र हैं, बोले बेकूफ मत बनाओ, हमारे दो ही पुत्र एक इंजीनियर है, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। हम ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया, हमारे घर के सामने पुलिस थाना, पुलिस को हमारी जरूरत गुरु जी का पड़ जाए इसलिए हमने घर थाने के सामने ले लिया, थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे, उनके पैर छुए, हमने कहा हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए, कहने के तुम ही हेमंत पांडे हो, हमने कहा, कहने के तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की, तुमको दो दिन का समय दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, पढ़े लिखे लोग हैं, अगर यहाँ नहीं समझेंगे तो कहाँ समझेंगे, व्यंग अगर समझ में आ जाए तो आपकी तालियां आसमान में उठती हुई केवल ये बताएंगी मेरा व्यंग आप तक पहुंचा, तालियां आपकी नहीं आएंगी तो मुझे लगेगा मेरा व्यंग आपकी समझ में नहीं है। हमने उनके पैर छुआ, हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए, कहने लगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना, हमने कहा ढूंढ लाइए, कहने लगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए, हमने कहा SP साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, क्या बहुत अच्छा, प्रणाम करता हूँ आपको।